मर्द का काम है बाहर जा के पैसे कमाना घर का ब्रेड होना औरत का काम है घर सजाना खूबसूरत घर बनाना फैमिली को साथ लेके चलना बॉट आई एम हेयर टू टेल यू इज अब ये इतनी बुरी बात नहीं है इन फैक्ट आगे जाके ये शायद अच्छी बात है लीडर्स शुड बी एबल टू मैनेज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हिंदुस्तानी माँ ने तो पूरी जिंदगी यही किया है आज मैं आपको जो कहानी बताने वाली हूँ वो मुजफ्फरनगर से शुरू होती है अब मुजफ्फरनगर कहाँ है दिल्ली से जब आप गाज़ियाबाद जाते हैं यूपी बॉर्डर के पार तो कुछ 40 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से मेरठ कुछ 80 किलोमीटर की दूरी है और मुजफ्फरनगर है 130 किलोमीटर की दूरी लेकिन हालांकि मुजफ्फरनगर दिल्ली से सिर्फ़ 130 किलोमीटर दूर है इन मेनी इयर्स इन मैनी वेज़ मुज़फ्फरनगर इज़ यर्स एंड यर्स बिहाइंड अब जब मैं सात आठ साल की थी तो मेरी जो पढ़ नानी है ग्रेट ग्रैंड मदर वो हम बच्चों को कुछ एडवाइस देती थी जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग देते हैं कि बड़े हो के क्या बनोगे क्या करना चाहोगे तो मेरे भाइयों को मेरे कज़न्स को वो कहती थी कि बड़े हो के ना घर की सारी जिम्मेदारी तुम पे है कमाना है परिवार के लिए करना है मुझे और मेरी बहनों को वो कहती थी कि जब हम बड़ी हो जाओगी ना तो एक सुंदर सा घर बनाना है बिल्ड अ ब्यूटिफुल होम परिवार में सबको साथ लेके चलना और ये बात नहीं थी कि लड़कियों को ये नहीं कहा कि पढ़ो करियर बनाओ बट हमेशा एक सटल सा रिमाइंडर था कि देख कुकिंग तो आनी चाहिए नहीं तो इन लॉज क्या कहेंगे मैं बड़ी हुई तो घर में एक नॉर्मल सा दिन उसके बारे में बताती हूँ मेरे पापा एक सरकारी ऑफिसर थे तो सुबह उठते थे नाश्ता करते थे ऑफिस जाते थे रात को घर आते थे टीवी देखते थे और सो जाते थे मेरी माँ एक स्कूल में पढ़ाती थी सुबह उठ के पहले हमें नाश्ता देती थी फिर सबका लंच पैक करती थी स्कूल चली जाती थी स्कूल से वो आती थी फिर मेरे भाई के स्कूल के प्रोजेक्ट का, का काम करवाती थी मेरे बालों में तेल लगाती थी अगले दिन के कब कभ... अगले दिन के जो कपड़े हैं वो निकालती थी रात को पापा के मेहमान आते थे घर पे उनके साथ टाइम गुजारती थी मेरी माँ शी वॉज दैट एम्पथेटिक लीडर हु वज़ मेकिंग श्योर कि उनकी टीम का हर मेम्बर वॉज रेडी टू गिव देयर बेस्ट एवरी सिंगल डे और आजकल बड़ी बड़ी, बड़ी बिजनेस पब्लिकेशंस जैसे फॉर्ब्स हैं वो ये लिखते हैं कि लीडरशिप ऑफ द फ्यूचर इज़ नॉट अबाउट द स्मार्ट पर्सन एट द टॉप लीडर्स में बैलेंस होना चाहिए लीडर्स को ये पता होना चाहिए वन टू लीड विद अ स्माइल वेन टू लीड विद अ स्टिक लीडर्स शुड बी एबल टू मैनेज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हिंदुस्तानी माँ ने तो पूरी जिंदगी यही किया है अब आपको शायद अपने किचन में आपने शायद कहानियाँ सुनी होंगी लेकिन मुझे याद है कि हमारे घर में डिनर में क्या बनेगा ये कोई अग्री नहीं करता था कुछ ऐसे दिन होते थे जब पापा को सादे मटर मत, चावल चाहिए होते थे मेरे भाई को भिंडी और पराठा चाहिए होता था और मुझे रोटी और पनीर जब तक मुझे याद है मेरी मम्मी ने तीन लोगों के लिए तीन अलग खाने बनाए हैं और कभी कभी मम्मी बीमार हो जाती थी तो पापा की बारी आती थी खाना बनाने की और हमें पता होता था कि हमें क्या मिलेगा मटर चावल और पापा कभी कभी मम्मी से कहते थे कि डियर ये सब झंझट करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है और मम्मी हंसती थी क्योंकि वॉट इज झंझट कॉम्प्लिकेशन डिफिकल्टी फॉर अ मैन इज प्रोवाइडिंग ईच मेंबर ऑफ हर फैमिली ईच ऑफ हर कस्टमर्स एन इंडिविजुअल कस्टमर एक्सपीरियंस फॉर अ वम एंड इफ यू लुक एट टूडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट इज़ अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस कुछ लोगों को याद होगा जब एप्पल का आईफोन आया था तो टच स्क्रीन आया था और बड़ा यूनिक था कि टच स्क्रीन आया तीन महीने तक यूनिक था फिर सारे फ़ोनों में टच स्क्रीन आ गया अब फ़ोन सारे एक जैसे लगते हैं गाड़ियाँ सारी एक जैसी लगती हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी ज़्यादातर एक जैसे लगते हैं तो अगर कुछ अलग है तो वो प्रोडक्ट नहीं है वो कस्टमर एक्सपीरियंस है कल रात के खाने तक मेरी माँ डाइनिंग टेबल पे पूछती थी कि भाई खाना कैसा लगा सबसे पूछती थी दाल कैसी बनी हिंदुस्तानी माँ ने इंडिविजुअल कस्टमर एक्सपीरियंस अपनी डाइनिंग टेबल पे सीखा तो एक दिन हमारे घर में चोरी हुई दो लाख रुपए चोरी हुए और दो लाख रुपए जो चोरी हुए वो किसी कबर्ड से चोरी हुए तो हम सब हैरान थे कि भाई दो लाख रुपए घर में क्या कर रहे थे इतनी अनसेफ जगह में तो पता चला ये वो पैसे थे जो मेरे पापा मेरी मम्मी को महीने के खर्च के लिए देते थे और उन्होंने थोड़े थोड़े जोड़ करके रखे थे बाकी हिंदुस्तान को पता चला इंटरेस्टिंगली कि जो हिंदुस्तानी औरत की सेविंग्स हैं उसका वैल्यू दो लाख से कई ज़्यादा है और ये हमें कब पता चला डिमोनीटाइजेशन के वक्त अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं कॉपोरेट इंडिया से हूँ और कॉर्परेट इंडिया में हमें सिखाया जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैनेज करो थोड़ा अडेप्टेबल होना सीखो हिंदुस्तानी औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी बेस्ट कराया अपनी फैमिली के लिए एक लिमिटेड बजट में और उसने ये किया है थोड़ा पैसा साइड में रख के और उसने ये किया है बिना किसी कॉस्ट रिसोर्सिंग मीटिंग के बिना किसी एमआईएस सिस्टम के और बिना किसी एक्सेल स्प्रेडशीट ये जो मैं आपको कहानियाँ सुना रही हूँ ये सबको सुनी सुनाई लगती हैं और ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं क्योंकि ये हमारी रियलिटी है लेकिन जब एक पूरा समाज एक पूरी सोसाइटी औरतों के पोटेंशियल को लेवरेज करती है तो उसका इंपैक्ट कुछ और ही होता है अब मेरी सास मैंगलोर की हैं 25 साल पहले उनके पास एक लड़की आई जिसका नाम नेट था नेट पंद्रह साल की उम्र में मेरी सास के पास आई कन्नड़ा मीडियम स्कूल में चौथी स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी पांच भाई बहनों में से एक थी परिवार पे मुछ, कुछ मुछ, कुछ मुश्किल हालात आए तो नेट आई बॉम्बे मेड बनने और वो मेरी सास के साथ रही उसने बॉम्बे देखा काम सीखा अंग्रेज़ी सीखी मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत ही मलोपरी भी खेलनी सीखी कुछ साल बाद उसे मौका मिला सिंगापुर जाने का मेरी सास की बहन के साथ और वहाँ वो सिंगापुर गई एक नए परिवार में काम किया एक नए देश में रही कुछ पैसे भी जोड़े कुछ आठ नौ साल पहले मैं नैट की शादी में गई जिसमें हज़ार लोग आए थे और नैट ने उसका ख़र्चा ख़ुद उठाया था आज ये लड़की मुंबई में रहती है अपने तीन बच्चों के साथ उसमें से दो लड़कियां हैं तीनों बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं ये जो शिफ्ट है एक लड़की जो चौथे स्टैंडर्ड तक कन्नडा पास थी जिसके बच्चे आज एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आप कह लीजिए ये एक ऑर्बिट शिफ्ट है जो एक इंसान को सोसाइटी के एक स्ट्रेटा से पूरे अलग स्ट्रेटा में ले जाता है और ये शिफ्ट क्यों पॉसिबल था ये शिफ्ट इसलिए पॉसिबल था हाँ क्योंकि नेट एक प्रोग्रेसिव फैमिली से आती थी बट ऑल्सो बिकॉज नैट केम फ्रॉम अ सोसाइटी वेयर दे रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंट टू लेवरेज द पावर ऑफ़ देयर वुमेन एंड दे बिल्ड अ फुल इकोसिस्टम अराउंड इट इवन इफ इट मैंट कि मर्द घर रहेगा जब औरत कमाएगी और नेट की कामयाबी एक अकेली लड़की की कामयाबी नहीं है एक कामयाब नैट अपने घर वालों के लिए मिसाल बनती है उसका घर जो बम्बई में है वो एक लॉन्च पैड बनता है जब तीन लड़कियाँ उसके गाँव से आती हैं चाहे वो उसकी बहनें हो या कोई और हो एक पढ़ी लिखी लड़की एक पढ़ी लिखी माँ बनती है एक पढ़ी लिखी माँ के बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे है होते हैं और ये कहानी आगे चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है और ये भी कहानी अकेली मैंगलोर की नहीं है ये नॉर्थ ईस्ट में भी होता है ये केरला में भी होता है देश के बहुत कोनों में होता है अब मैं आपसे यह बात क्यों कर रही हूं मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज सीईओ ईओ हूं मुझे इन सब बातों में क्या इंटरेस्ट है मुझे इंटरेस्ट है क्योंकि इंडिया में डबल डिजिट जी ग्रोथ एक नीड है आपके लिए क्राइंग नीड है अगर हिंदुस्तान के यूथ की हम जॉब एस्पिरेशंस पूरी करना चाहते हैं ये एक क्राइंग नीड है और मजे की बात यह है इतनी एविडेंस होने के बाद स्टेटिस्टिकल एविडेंस है एनेकडोटल एविडेंस हैं कहानियाँ हैं एम्पेरिकल एविडेंस है विमेन की जो पावर लेवरेज करने की कहानी है ये बस कुछ स्टोरीज तक ही लिमिटेड है हमारे देश में 27 परसेंट लेडीज़ वर्कफ़ोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं 75 परसेंट ऑफ मेन पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स अगर आप ये 27 परसेंट में सिर्फ 10 परसेंट जोड़ दें तो आप हमारी जीडीपी में 700 बिलियन डॉलर एड करेंगे 700 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है डेढ़ परसेंट है जीडीपी का तो मैं कहती हूँ ये डिस्कशन छोड़िए कि कितने आईआईटी खोलेंगे कौन आईआईटी में जाइएगा जाएगा और थोड़ा सोचिए कि जो हमारी औरत की पावर है जिसके पास सारे स्किल सेट्स हैं फ्यूचर के वर्क प्लेस के लिए उनको कैसे हम बेटर लेवरेज करें एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ एक महीने पहले मैं मुंबई के एक फ़ाइव स्टार होटल में एक पार्टी में गई थी काफ़ी सारे सी आए थे फाइनेंशियल कम्युनिटी के कुछ घंटे बाद जब डिनर का टाइम आया तो डिनर टेबल के पास एक लड़की खड़ी थी ऐसे खड़ी थी अकेले प्लेट लेकर नीचे देख रही थी और वो ग्रीटर थी इस पार्टी में जब हम आते हैं पार्टियों में तो लोगों के नाम लिख रही थी आपने शायद देखा होगा ऐसी लड़कियों को लेकिन रूम के किसी कोने में नहीं खड़ी थी बीच में खड़ी थी सबके पास सबके साथ इस लड़की का नाम स्नेहा है इक्कीस साल की लड़की है मुंबई के भयंडर में रहती है जहाँ ये फंक्शन हो रहा था वहाँ से दो घंटे दूर आगे जाके एयर होस्टेस बनना चाहती है लेकिन आज ही रात को एक्स्ट्रा काम करती है थोड़े पैसे कमाने के लिए हम सब ऐसी लड़कियों से मिल चुके हैं ऐसी लड़कियाँ जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं लेकिन किसी रूम में अकेली खड़ी हैं और शायद हम सबको ये भी एहसास है कि स्नेहा बनना कैसा लगता है क्या हम ऐसी एक दो लड़कियों का साथ नहीं दे सकते कैन वी नॉट टेक वन टू सच वूमेन अंडर आर विंक साथ देने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दें या आप किसी को नौकरी दिलवाएं आप थोड़ी सी गाइडेंस दे सकते हैं आप थोड़ी सी मेंटरशिप कर सकते हैं आप किसी को एक नया स्किल दिखा सकते हैं आप किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं और यह आप शुरू कर सकते हैं कल अपने घर में अपनी मेड या बाई की बेटी के साथ क्योंकि याद रखिए नेट को भी अपना पहला मौका कहाँ मिला था किसी के घर में मिला था यह आप कर सकते हैं अपने समाज में क्योंकि आपको हर दिन किसी स्नेहा जैसी लड़की से मुलाकात होगी और यह आप ज़रूर कर सकते हैं अपने ऑफिस में जहाँ आपकी कोई ऐसी कॉलीग होगी जो थोड़ी सी नर्वस होगी थोड़ी सी अनसर्टन होगी शायद थोड़ी सी अंडर प्रिवलिज होगी हमें लगता है एज यंग इंडिया कि ये एक प्रॉब्लम है जो कोई सीईओ बड़े ऑफिस में सॉल्व करेगा या कोई मिनिस्टर हमारे लिए सॉल्व करेगा मैंने स्नेहा से एक चीज़ सीखी कि स्नेहा ना कभी किसी ग्लास ऑफिस के सीईओ से मैंने ना कभी किसी सरकारी ऑफिस के मिनिस्टर से मिलेगी फॉर स्नेहा फॉर नैट फॉर नाजिया फॉर तोरल फॉर लक्ष्मी फॉर प्रियंका फॉर मेरी फॉर इसरीन फॉर स्वाति फॉर हाफ अ बिलियन इंडियन वुमेन आप ही वो सी हैं और आप ही वो मिनिस्टर हैं शुक्रिया